नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज हम सभी एक स्टोरी सुनते हैं जो कि शिक्षा प्रद स्टोरी है हमारे लिए और हमारे समाज के लिए। जी हाँ, मजदूर के जूते इसका शीर्षक है। आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं। एक बार एक शिक्षक संपन्न परिवार से संबंध रखते थे, एक युवा शिष्य के साथ कहीं टहलने के लिए निकल लिए। उन्होंने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हुए हैं, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे। वो अब अपना काम खत्म करके घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था। शिष्य को मजाक सूझा, उसने शिक्षक से कहा, गुरुजी क्यों न हम ये जूते कहीं छिपा करके झाड़ियों के पीछे छिप जाएं? जब वो मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पा करके घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा। शिक्षक गंभीरता से बोले, किसी गरीब के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों न हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छिप करके देखें कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिष्य ने ऐसा ही किया और दोनों पास की झाड़ियों में छुप गए। सिक्का डालने के बाद मजदूर जल्द ही अपना काम खत्म करके जूतों की जगह पर आ गया। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाले, उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सिक्के हाथ में लेकर के बड़े गौर से उन्हें पलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया उसको, तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए कहा, हे भगवान, समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए उस अनजान सहायक का लाख लाख धन्यवाद। उसकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। मजदूर की बातें सुनकर शिष्य की आंखें भर आईं। शिक्षक ने शिष्य से कहा, क्या तुम्हारी मजाक वाली बात की अपेक्षा जूते में सिक्का डालने से तुम्हें कम खुशी मिली? शिष्य बोला, आपने आज मुझे जो पाठ पढ़ाया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया हूँ जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था, कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी है। देने का आनंद असीम है, देना देवता है। दोस्तों, सचमुच जॉय ऑफ गिविंग से बढ़कर और कोई सुख नहीं है। हमें इस कहानी से शिक्षा लेते हुए अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जरूर कुछ न कुछ दान देना चाहिए और ज़रूरतमंदों की हर संभव मदद करनी चाहिए। ट्रूली जो ज़रूरतमंद हैं, यानी कि हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो अननेसेसरली स्वस्थ रहते हुए भीख मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत आपने देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ हैं लेकिन भिक्षा मांगते हैं। मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जेन्युइनली नीडी होते हैं, जिनका कोई नहीं होता है, और वो बालक हो सकते हैं या फिर वो आपके वृद्ध हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, या फिर वो आपके समाज के अंग विहीन लोग हो सकते हैं जिनको कि ये पीड़ा होती है। आप उनकी चाहे पैसों से मदद ना करें, लेकिन उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनसे उनकी मदद कर दें। उनको जो खुशी मिलेगी वो आपको कितना खुश करेगी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक बार करके देखिए जेन्युइनली आपको कैसा फील होता है। तो ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए। आप सभी ने कहानी को अंत तक सुना, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी अन्य नई स्टोरी आपको सबसे पहले मिले। जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स अवश्य कीजिए ताकि अन्य लोगों तक वीडियो आसानी से पहुँच पाए। इसके बाद मिलते हैं आप सभी से अब नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।